कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की कामना से कल यानी 23 मई से भीषण गर्मी महंत राजेंद्रपुरी की अखंड अग्नि तपस्या आरंभ होने जा रही है। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक आग के ढेरों के बीच संत राजेंद्रपुरी की तपस्या जारी रहेगी। इस तपस्या में नवीन जिंदल को भी कुरुक्षेत्र का सांसद बनाने की कामना की जा रही है। जगज्योति दरबार में कल 23 मई से भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रहित व सर्व कल्याण की भावना पंचधुनी अग्नि तपस्या आरंभ होगी। पिछले करीब 2 दशक से महंत राजेंद्रपुरी जगज्योति दरबार में पंचधुनी अग्नि तपस्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनावों के चलते जगज्योति दरबार के महंत राजेंद्रपुरी 23 मई वीरवार से आग के ढेरों के बीच कठोर तपस्या शुरू करने जा रहे हैं। महंत राजेंद्रपुरी वैसे तो देश में भाईचारे, आपसी प्रेम एवं सर्व कल्याण की भावना से पिछले करीब 2 दशक से भीषण गर्मी में अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखने की कामना से कल 23 मई से भीषण गर्मी में महंत राजेंद्रपुरी अखंड अग्नि तपस्या शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते उनकी आग के ढेरों के बीच तपस्या जारी रहेगी। इस तपस्या में नवीन जिंदल को भी कुरुक्षेत्र का सांसद बनाने की कामना करेंगे। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के मौसम में आग की धुनी यानी ढेरों के बीच बैठने की कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र बिजलपुर के जग ज्योति दरबार में हजरत पीर मौला बख्श की दरगाह और साथ स्थित दुर्गा स्वरूपा माता लाडो रानी के दरबार में गद्दी नशीन महंत राजेंद्रपुरी पिछले करीब 2 दशकों से भीषण गर्मी में आग की धुनी ढेरों के बीच कड़ी अग्नि तपस्या कर रहे हैं। इस बार ये कठोर अग्नि तपस्या 23 मई से प्रारंभ होगी। महंत राजेंद्रपुरी ने बताया कि देश में सर्वधर्म प्रेम एवं आपसी भाईचारा हो, सर्व कल्याण एवं राष्ट्रहित के लिए आग के बीच कठोर तपस्या करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की चौथी पीढ़ी इस कड़े तप को कर रही है। महंत राजेंद्रपुरी से इस भीषण गर्मी के बीच आग में बैठने के साहस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तपस्या केवल वे जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। 45 से 46 डिग्री तापमान में देश में आपसी भाईचारा व सर्व कल्याण के लिए हर वर्ष अग्नि तपस्या करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस तपस्या के लिए प्रभु कृपा होती है और हमारा कर्म होता है। महंत राजेंद्रपुरी ने बताया कि जग ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दरबार के आशीर्वाद से गरीबों और असहाय लोगों को अन्न तथा राशन वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कामना है कि सभी लोगों को सुख समृद्धि एवं विकास मिले। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि भगवान कहाँ है, तो उनका जवाब होता है कि तपस्या करने से ही भगवान का एहसास होता है। भगवान को अपने चाहने वालों को इस तपती आग में भी ठंडी हवाओं का भगवान एहसास करवाते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। प्रणाम महाराज जी। जग ज्योति दरबार में अग्नि तपस्या की शुरुआत की जा रही है, ये कितने दिन तक चलेगी और कब से शुरू कर रहे हैं आप? जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं महंत राजेंद्रपुरी जगज्योति दरबार बिजलपुर कुरुक्षेत्र से। देखिए, वैसे तो जगज्योति धाम में अग्नि तपस्या पूरे 2 दशक से चल रही है, लेकिन इस वर्ष ये ही तपस्या 23 मई से शुरू होकर अनिश्चित समय तक चलेगी। आगे का समय, समापन का समय मेरे इष्ट देव, मेरे स्थान देवता तय करेंगे कि कब तक चलानी है, उनकी कृपा से चलेगी। बाकी हाँ, इस बार मेरे भाव ये हैं कि मेरा राष्ट्र मजबूत हो, सनातन धर्म मजबूत हो, सर्व जाति को सम्मान मिले, इस उद्देश्य से मैं ये अग्नि तपस्या निकाल रहा हूँ। और जो हमारे विश्व में हिंदुस्तान का झंडा लहराए और जो हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल जी मैदान में उतरे हुए हैं, उनके लिए भी मेरी भाव रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि वो विजयी घोषित हों और बहुत जल्दी हमारे देश की राजगद्दी पर एक बार फिर से हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हों। यही मकसद है मेरा इस बार की अग्नि तपस्या का। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम।